हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल मिस्टर म्यूजिशियन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बेसिक सी कार ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ये ट्रिक बहुत सिंपल है और अगर आप बिगनर है तो ये ट्रिक को दिखा के किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास नॉर्मल कार्ड्स हैं और एकदम प्रॉपरली मिक्स है सारे कार्ड, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक कार्ड निकालना है। तो यहाँ पे मेरे भैया है वो स्टॉप बोलेंगे, स्टॉप, ठीक है। इस कार्ड को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और याद रखिएगा, ये आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेक कार्ड को सीधे डेक में बीच में डाल देता हूँ और कार्ड को एक बार सिंपल सा कट कर देता हूँ कुछ ऐसे, और एक नॉर्मल सा शफल भी कर देता हूँ कि आपका कार्ड एकदम प्रॉपरली डेक में मिक्स हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ मैजिक क्या होने वाला है। अगर आप इस डेक को अभी देखेंगे तो ये डेक एकदम नॉर्मल है, इसके सारे कार्ड एकदम स्ट्रेट है, कोई भी कार्ड रिवर्स नहीं है। इसमें कुछ लोगों को लगता क्या है ट्रिक में कि मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज ये आपका सिलेक्शन होता है एट ऑफ क्लब्स, इसको मैं आपके सामने एकदम आपके सामने मैं इसको आपके बीच में डालता हूँ और सीधे अंदर प्रेस कर देता हूँ, तो इसमें तो कोई मैजिक नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ होने क्या वाला है। मैं सिंपल एक बार स्नैप करूंगा कुछ ऐसे, सिर्फ एक कार्ड रिवर्स होने वाला है पूरे डेक में, जो कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सेंटर में देखेंगे तो इस डेक में एक कार्ड रिवर्स होने वाला है, जो कि आपका सिलेक्शन था यहाँ पे एस ऑफ डायमंड्स, देख सकते हैं ये आपका सिलेक्शन था एस ऑफ डायमंड्स। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ये सिंपल सी ट्रिक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल डेक नहीं चाहिए, कोई गिमिक नहीं चाहिए, आप इसको किसी भी नॉर्मल डेक से कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, ट्रिक स्टार्ट होने से पहले अगर आप कार्ड्स को शफल करना चाहते हैं तो कार्ड्स को शफल भी कर सकते हैं, इसमें कोई सेटअप नहीं होने वाला, आपका स्पेक्टेटर भी शफल कर सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने डेक को आप स्प्रेड करके या जैसे चाहें एक स्पेक्टेटर से कार्ड निकलवाना है, वो कोई भी कार्ड हो सकता है। तो इस केस में हम लोग ये वाला कार्ड ले लेते हैं। आप ट्रिक के वक्त कार्ड को देखने नहीं वाले हैं, ये ट्यूटोरियल पर्पस है, तो मैं कार्ड को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एट ऑफ हार्ट्स है, ठीक है, हम लोग यही कार्ड यूज करने वाले हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो स्पेक्टेटर ने कार्ड सेलेक्ट किया है उसको टॉप पे कंट्रोल करना है, मीन्स आप इसको बीच में डालेंगे लेकिन वो टॉप पे आ जाना चाहिए, आपको कंट्रोल यूज करना है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सा भी कंट्रोल यूज करिए, लेकिन अगर आपको कोई कंट्रोल नहीं आता है तो मैं आपको एक बेसिक सा कार्ड कंट्रोल सिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आप उनका कार्ड लीजिए ऐसे डेक के बीच में कहीं भी सेंटर में इसको डालिए, और लास्ट के वक्त जब ये पूरा अंदर जा चुका हो, बस थोड़ा सा बचाओ, अपने थंब की मदद से कार्ड को ऐसे नीचे प्रेस करिए, देख सकते हैं थंब की मदद से इसको प्रेस करिए और फिर अंदर डालिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे गैप बना है। इसके बाद अपनी पिंकी फिंगर को यहाँ पे ऐसे फंसा लीजिए, तो इससे क्या होगा, एक पिंकी ब्रेक बन जाएगा, सामने से ये नहीं पता चलने वाला है, और इसको आप बहुत फास्ट करने वाले हैं तो उनको कुछ शक भी नहीं होगा और आपका ब्रेक रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक के ऊपर से थोड़े कार्ड्स ऐसे लेने हैं और टेबल पे रख देना है, फिर से ब्रेक के पास से पूरे कार्ड उठा लेना है और रख देना है, फिर ये उनका जो सिलेक्शन था वो ऐसे टॉप पे आ जाने वाला। आप टेबल पे कट कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि कार्ड ऊपर आ गया, उनको लगेगा कि आप कार्ड्स को मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद आप रिफल शफल भी कर सकते हैं, बस टॉप वाला कार्ड टॉप पे रहे तो आप पूरा शफल करिए, ऊपर वाला कार्ड आपको ऊपर मेंटेन रखना है, ठीक है। तो उनका जो सिलेक्शन है एट ऑफ हार्ट्स टॉप पे रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, डबल लिफ्ट करके उनका कार्ड बीच में रिवर्स करके डालना है। आप अपना एक रूटीन बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा आप पे डिपेंड करने वाला है, मैं आपको मूव बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डबल लिफ्ट करनी है, आप कोई सी भी डबल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डबल लिफ्ट नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, मैं अपने चैनल पर सिखा चुका हूँ डबल लिफ्ट, आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो कार्ड्स हैं उनका कार्ड टॉप पे रहने वाला है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों कार्ड को एक की तरह पकड़ना है कुछ ऐसे, यहाँ पे ये खुलने ना पाए आपको ध्यान देना है, ये लगना चाहिए एक है। इसके बाद अपने डेक को आप ऐसे रिफल करके इस कार्ड को सिंपली ऐसे बीच में डाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लगभग आधा ही रहना चाहिए और यहाँ से सामने से उन्हें दिखना नहीं चाहिए कि दो कार्ड है। आप अपने डेक को ऐसे पैरेलल रखिएगा ग्राउंड से। इसके बाद जब अपना जब रूटीन प्रेजेंट कर रहे होंगे, आपको बात करते करते क्या करना होगा, अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से लेफ्ट हैंड के जिसमें आप डेक पकड़े हैं, ये नीचे वाले कार्ड को डेक के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो आप इसको जब आधा रख लेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से इसको नीचे स्लाइड करिएगा और अपने राइट हैंड की मदद से ऊपर वाले कार्ड को पकड़े रहिएगा, इससे नहीं तो क्या होगा, कार्ड हिलने लगेगा, उन्हें शक हो सकता है। तो आप इसको ऐसे पकड़िए और इसके मदद से इसको बस सिंपली ऐसे स्लाइड करिए, ये सामने से नहीं पता चलने वाला, आप थोड़ा सा ऐसे हाथ अपना हिला सकते हैं और इसको मैंने सिंपली अंदर डाल दिया है, देख सकते हैं ये अंदर चला गया। इसके बाद इस वाले टॉप कार्ड को जो उनको लग रहा था आप बता रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इस कार्ड को निकाल के सिंपली डेक के टॉप पे रख सकते हैं। आपकी ट्रिक यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुकी है, उनका कार्ड ऑलरेडी बीच में आ चुका है रिवर्स होके। इसके बाद आप जो भी मैजिक जेस्चर करना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग स्नैप कर लेते हैं, स्नैप करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि पूरे डेक में सिर्फ एक कार्ड रिवर्स है और जो कि वो उनका सिलेक्शन है जो उन्होंने लिया था, और बाकी ये पूरी डेक भी दे सकते हैं, इसमें कोई सेटअप भी नहीं है और कोई गिमिक भी नहीं है, आप एकदम क्लीन है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप और ऐसी मैजिक से रिलेटेड चीजें सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।